बच्चों एक... के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आप लोग सारे बच्चों को लेकर नॉर्वे में बड़े परेशान है आप लोग ये एक वाहि चीज मैंने नॉर्वे के बारे में सुनी और मैंने ऑब्जर्व भी किया ड्यूरिंग माय ट्रिप कि ये एक वाहि चीज है जिसने आप सारे पेरेंट्स को खुडे लाइन लगाया हुआ है आप इसको खुडे लाइन नहीं कह सकते लेकिन आप इस तरह कह लें कि इसको अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव लें क्योंकि वो जब से वो इंडियन मूवी आई है हाँ। तो उसके बाद ये लोग इस टॉपिक पे और ज़्यादा बात करना शुरू हो गया फोस्टर केयर बच्चों के प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीज़ें ये नहीं है कि ये वहाँ पे नहीं है वहाँ पे हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि वहाँ पे ये समझते हैं कि जो हर बच्चा है वो स्टेट उसको ऑन करती है और उस बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है ठीक है और मेरी एक कुलीग ने एक बार ये बात मुझे बड़े अच्छे से इस तरह से एक्सप्लेन की उसने कहा कि जब आप एक कार चलाना सीखते हो मतलब ड्राइविंग आप ड्राइविंग के लिए जाते हो आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो फिर आप एक कार में बैठते हो फिर आपको अलाउ होता है कि आप सड़क पे आए तो एक ह्यूमन को रेस करने के लिए व्हाई डोंट यू थिंक यू नीड सम ट्रेनिंग व्हाई यू थिंक जी वो बिल्ड अप है हाँ, सही वो है। मतलब अंडरस्टूड है कि जी ये ऐसे ही होगा क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है उसको उसको डिवेलप करना उसको एज के साथ ग्रो करवाना और फिर उसको एट प्रोडक्ट बनाना वो ये कह लें कि वो उस चीज़ को पूरे को फॉलो कर रहे हैं हुँ. कि हमें एट द एंड एंड प्रोडक्ट ये चाहिए तो हम इससे से से स्टेप पे ये ये चीजें करेंगे तो हमें एट द एंड इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी उनके बहुत क्लियर गोल्स हैं और वो उसी पे जो है वो काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारी तरह मतलब आ, अगर मेजर वन वर्ड में बताऊं तो वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ओबीडियंट हो ओबीडियंट होने में रिस्पॉन्सिबल होने में बहुत फर्क होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वही अकाउंटेबल होता है ओबीडियंट तो फिर फॉलो कर रहे हैं तो हाँ, नहीं पूछा नहीं रहेगा कुछ भी तो उसमें ये है कि अगर वो इस चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं कि आप थोड़ा सा ट्रेनिंग के हिसाब से बच्चे को देखें और उसको रैंडमली खास तौर पर एशियन पेरेंट्स के बारे में उनका ये ख्याल है कि हम बच्चों को जो है बहुत रफली ट्रीट करते हैं हम उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके कर रेस नहीं करते जो कि एक्चुअली होनी चाहिए और वो ये चाहते हैं कि आप उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें थोड़ी बुक्स देख लें जब आप ड्राइविंग के लिए सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो वाई नॉट कि आप पे के लिए भी थोड़ी सी यहाँ तक तो, तो हर चीज़ ठीक लग रही है यहाँ तक, तक तो उनके बिल्कुल असूल ठीक है लेकिन आ, क्या यहाँ पे सिचुएशन एब्यूज नहीं हो जाती थोड़ी सी कि क्या ये पेरेंट्स के ऊपर ही सारी चीज़ें बच्चा देखें मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की ये चीज़ खुद हालांकि मेरा बड़ा शॉर्ट ट्रिप था लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व की है कि बच्चे को पता चल गया इस चीज़ का बहुत छोटे छोटे बच्चों को और वो सिचुएशन को मिस कर रहा है अब वो बल्कि मिसयूज नहीं एक्सप्लॉयड कर रहा है सिचुएशन को बच्चा जनवनली तो उस उसमें देखें है तो ह्यूमन ही ना अगर आप एक ह्यूमन को रेस करने की कोई बात कर रहे हैं तो जो रेस कर रहा है वो भी तो ह्यूमन है ना उसके पास भी बीइंग अ पेरेंट थोड़ा सा तो होना चाहिए और जबकि हम मूवीज में देखें या वैसे भी जो देखा है आ, वो लोग खुद बल्कि आप लोगों से ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने बच्चों के साथ तो क्यों ये मतलब ड्यूल रोल प्ले किया जा रहा है जी एशियंस के ऊपर कम्पलशन है शायद हम लोग अपने बच्चों को पाल नहीं सकते तरह या हम लोगों को वो वो एथिकली प्रैक्टिस नहीं है दे आर सुपीरियर देन अस तो उनके यहाँ क्यों भाई ये चीज़ नहीं है फिर देखिये रूल तो सबके लिए सेम होना चाहिए एक डेलिकेट बैलेंस है वो उनसे भी जो है वो खराब हो जाता है वहां भी बच्चे जो है वो फिर उसमें आ जाते हैं हमारे यहाँ भी होता है लेकिन हमारे यहाँ अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि बच्चे को आप अपने गुस्सा निकालने के तो जब के, जब बना लेते लेते हैं हैं ना, उत्षुट लगा सेट तो कर बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है मामला वहां पे होता है मामला ख़राब होता कि वो ट्रैश बिन नहीं है आप देखिए डॉक्टर साहब आपने शुरू में कहा कि गाड़ी सीखने के लिए गाड़ी खराब होती है उसकी ट्यूनिंग करते हैं ना तो बच्चे की भी ट्यूनिंग लाभ भी है करे बिल्कुल करें जब उसको जरूरत है क्योंकि वो एक बड़ी अच्छी मैंने एक जगह पे डिस्कशन सुनी तो उसने ये कहा कि

जरूरी नहीं कि वो बच्चा वो ही राइट आप वक्त के साथ चेंज हो रहा है और जो बच्चे यहाँ से शुरू कर रहे हैं उनका आने वाले वक्त में राइट और रॉन्ग आपने उनको सिर्फ ये सेंस देनी है कि हाउ टू जज राइट और रॉन्ग उसके लिए जहां आप स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं आप लेकिन उस हद तक कि वो बच्चे पे तशद ना होनी पे लेकिन आप उस पर पूरा अपना वो हैंड रखें कि लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि एक दफा हमारी ऑफिस की गैदरिंग थी और हम अपनी एक कोलग की तरफ गए क्रिसमस की इसी तरह बारबेक्यू था और उनका बच्चा था कोई होगा वो इस वक्त साढ़े तीन चार साल का एंड hmm. फॉर uh, जूता नहीं पहनना कि पता नहीं ये जूता पहनना है या मुझे बाहर आना है कुछ ऐसे वो कर रहा था डिबेट अपनी मदर के साथ तो उसकी मदर उसको एंड पे कहती है कि इट्स माय हाउस सो माय रूल्स सो इफ यू वांट योर रूल्स हैव योर ओन हाउस तो वो वो बच्चे ने और फिर उसके बाद ये नहीं कि आप कह के और फिर आप चाहें कि उसका ऑन ऑफ का बटन हो हाँ। बंद हो जाए और उसके बाद वो कोई रिएक्ट ना करे उसके बाद वो उसको पूरी स्पेस देते हैं कि आप रिएक्ट करो आप का रोने को दिल कर रो लो हाँ। आप अच्छी तरह रो लो हमारे तो सर में दर्द हो जाते है हाँ। एक बच्चा रो पड़ा क्योंकि हमारा शायद रोता भी उसी तरह से है। 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 उनका शायद रोता जरा ज्यादा मासूमाना अंदाज में लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको नहीं वो स्पेस देते आपको पूरी पूरी आपके पास लिबर्टी होती है कि आप कर सकते हैं उसको लेकिन बस उस तरह से करें कि बच्चे को राइट रॉन्ग की सेंस देनी है और विद इन लिमिट्स रह के करना है बाकी बच्चा आपकी जिम्मेदारी एट दी एंड आप ही उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं आप एंड पे चाहे तो सोसाइटी को एक अच्छा प्रोडक्ट दे दें चाहे तो क्योंकि एक ह्यूमन को अच्छा ह्यूमन बनने से बुरा ह्यूमन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है बिल्कुल है, आप उसको सुनप करते रहेंगे आप आपने उसको अपना डिसीजन सुना दिया ठीक है लेकिन अब उसके बाद उसका भी राइट है कि उसको पूरा चांस दिया जाए कि वो रोना चाह रहे हैं वो रो ले वो रो के थोड़ी देर के बाद उनका ख्याल ये है कि बच्चा थक के चुप कर जाता है या आप उसको ऑल्टरनेट ऑप्शन दें सही सही आपने उससे कुछ लेना है वापस आप उसको ऑल्टरनेट दें कुछ ऐसा ऑल्टरनेट दें जो कि आपके लिए भी एक्सेप्टेबल हो उस बच्चे के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और अगर आप उसको मतलब अगर आप उसको चाहते हैं कि वो मोबाइल ना यूज करे तो आप खुद भी तो उस चीज को लिमिट करें हाँ, अब आप सारा दिन यूज करें आप उसको नहीं दे रहे तो उसको तो वो एक जेलसी फैक्टर मेरा ख्याल है ज्यादा आ जाता होगा कि अब्बा जी रोज लगे रहते हैं और मुझे जो है वो कहते हैं कि जी अपना स्क्रीन टाइम कम करो तो ये वही बात आ गई जो हमने शुरू में कहा कि अगर बाप और माँ पढ़े लिखे हैं तो ये बेसिकली उनके नजदीक ये एक प्रॉपर जॉब है एक प्रॉपर ट्रेनिंग है पहले आप उसके लिए ट्रेन होंगे तो तब

लिखते थे वही देखे हमने लेकिन आ, जब एक बच्चे ने ऐसे स्टार्ट किया है कि वो मोबाइल है और वो उस पर स्क्रोल, स्क्रोल करता कर जा रहा है वो उसका फोकस भी जो है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वो उसको एक चीज़ पर स्टॉप करना उसके लिए एक अट्रैक्शन बनाना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस बच्चे को नहीं पता उसको तो आप मतलब आ, हमारे यहाँ वही मैंने आपको बताया कि वो ब्रेन की रिसर्च बड़ी अच्छी एक्सप्लेन करते हैं तो वो एक दफ़ा वो प्रोफेसर साहब एक्सप्लेन रही थी उसने कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन ऐसे होता है जैसे आपने एक नया घर बनाया है क्या बात है जो कि खाली है दीवारें खाली हैं कोई फर्नीचर नहीं है ठीक है पेंट है दीवारों पे वो फिर टाइम के साथ आप उसको स्किल्स देते हैं वो स्किल्स उसका फर्नीचर बनती है दीवारों पे हैंगिंग्स लगती हैं वो डेकोरेट होता है घर जैसे जैसे आप फिर सोसाइटी से वो चीज़ें एब्जॉर्ब करता है उससे वो अपने स्किल्स पॉलिश करता है न्यू स्किल्स सीखता है इस तरह करते करते फिर एक टाइम आता है कि वो घर फुली रेनोवेट हो जाता है फिर वो उसको यूज़ करते हुए बहुत सारा कुछ करता है फिर वो टाइम आता है कि जब वो घर बसीदा होने लग जाता है आप ओल्ड एज में चले जाते हैं फिर वो कनेक्शन टूटने लग जाते हैं दीवार से हैंगिंग गिर रही है <laughs> बेड जो है वो टूट रहा है चेयर जो है वो उसकी बाजू निकल रही है तो वो ये एक पूरा सफर है इसमें अगर आप कहें कि जी नहीं जो मैंने कह दिया है बच्चे के जहन में वो उसी तरह जाके दीवार पर ठक करके फिट हो जाए तो वो ऐसे नहीं होगा क्या मजेदार बात है ना देखें जो सोफिस्टिकेटेड हैं वहाँ मिसालें भी कितनी मजेदार होती हैं अब हमारे यहाँ मैं कहता हूँ अक्लमंद से अक्लमंद भी जो दादी है वो ये मिसाल नहीं दे सकती हालांकि कितनी वैलिड बात है कि एक लाइफ का पूरा आपने साइकिल मुकम्मल किया है ठीक है जहां से वो शुरू हो रहा है वहीं पे आके उसका एंड हो रहा है है ठीक तो इस तरह से अगर जो मजेदार सी लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाए तो बच्चा क्यों नहीं सीखेगा या पेरेंट्स क्यों नहीं सीखेंगे ठीक है तो वो ऑब्जर्व करने की भी आपकी जो है ना कैपेसिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है साथ साथ लेकिन जब हमें कहा ही जाता है इन अंदर लेके जाता है कि वो हम कहते हैं कि मामा अंदर जाकर ट्यूनिंग कर रही है हो रही है ठीक <laughs> है तो उस उसपे बल्कि पूरा खानदान फिर कैका भी लगाता है ठीक हाँ, है भी और जनरली बच्चे की ट्यूनिंग हो भी जाती है फिर अगले तीन चार घंटे बच्चा शांत भी रहता है ठीक हाँ, है तो हमने वो, हम वो हम उसे अपने ही शांत रहता है हाँ, लेकिन एक्चुअली हम उसके वो उस घर में कहीं ना कहीं कोई छोटा सा क्रैक क्रैक कर रहे हैं बिल्कुल वो हम उसकी बुनियादों में ना कहीं थोड़ी सी वो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं